بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students welcome to paradise college आज हम lecture number 4 आपको electrostatics के बारे में दे रहे हैं और ये इस lecture के अंदर बेटा हम electric field lines पे बात करेंगे इससे previous हम electric field intensity due to point charge इस पे detail से बात कर चुके हैं effect of medium पे बात कर चुके हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन बातों की बहुत बेहतर अंदाज में समझ आई होगी तो चलते हैं अपने बाकायदा लेक्चर की तरफ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें ये डेफिनेशन नहीं है ये हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री है थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल वर्क है वो आपको बता रहे हैं कि ये एक साइंटिस्ट जिसका नाम आपको बताया जा रहा है माइकल फैराडे उसने एक तरीकाकार बताया के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यानी अगर हम किसी पेज पर किसी स्क्रीन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना चाहें कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता और फील्ड की डायरेक्शन क्या है इसके लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ये इस तरह सोचा जा सकता है इसको इस तरह कहा जा सकता है कि ये एक मैप है बेसिकली जो प्रोवाइड करेगा दो चीजों की इंफॉर्मेशन जिसको हमने आपको आपके सामने हाईलाइट भी कर दिया है यानी डायरेक्शन को और स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट पॉइंट्स पे क्योंकि हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द चार्ज जाते हैं तो फील्ड वीक होता जाता है और जैसे जैसे हम क्लोज टू द चार्ज आते हैं फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है सो आपने फील्ड की स्ट्रेंथ भी हर जगह सेम नहीं रहती यूनिफॉर्म नहीं रहती ठीक है और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी बदलती है बाज केसेस ऐसे हैं जिसमें ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम भी रह सकती है तो बहरहाल ये इंफॉर्मेशन हमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की प्रोवाइड करता है तो ये तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अब हम बाकायदा तौर पर इसकी डेफिनेशन में एंटर हो रहे हैं देखिए बेटा ये इस मैप को जरा एक मिनट के लिए समझ लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है परमानेंट और ये एक नेगेटिव चार्ज है इसका आंसर हम अभी आपको डेफिनेशन में प्रोवाइड करेंगे कि पॉजिटिव की लाइंस आउटवर्ड क्यों दिखाई जाती हैं और नेगेटिव की इनवर्ड क्यों दिखाई जाती हैं लेकिन आप एक चीज को इसमें देखें कि पॉजिटिव की लाइंस को अगर हम देखते हैं तो ये लाइंस हमें नजर आ रहा है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर हो रहे हैं ये लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं ठीक है और इनकी हर लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये लाइन सिर्फ फील्ड के अंदर होती हैं फील्ड लिमिट्स के बाहर नहीं ये एग्जिस्ट करती इसी तरह ये नेगेटिव की लाइंस है तो ये आपको लाइंस क्या बता रही हैं कि पॉजिटिव का फील्ड जो है वो किसी भी पॉइंट पे चेक करना हो जैसे मैं इस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूँ तो हमें पता लग रहा है कि ये फील्ड आउटवर्ड है और यहाँ पे नजर आ रहा है कि फील्ड इनवर्ड है और ये लाइन्स की क्लोजनेस और क्लोज टू द चार्ज और लाइन का एक दूसरे से दूर होते जाना ये भी आपको दिखाया जा रहा है तो बहरहाल ये तो इसका जस्ट एक मैप था अब हम बाकायदा डेफिनेशन में एंटर होते हैं तो हमें इस चीज का आइडिया होगा कि ये लाइंस आउटवर्ड और इनवर्ड से आखिर मुराद क्या है तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं ये बेसिकली टेस्ट चार्ज के रास्ते का नाम है तो इसकी पहले वर्डिंग पे गौर करना है कि द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज और मैंने ब्रैकेट में लिखा है टेस्ट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज जो बेसिकली यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस रास्ते को फॉलो करेगा कब जब हम उसको गिवन चार्ज के फील्ड में इंट्रोड्यूस कराएंगे यस मींस के जब गिवन चार्ज के फील्ड में टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज जिस रास्ते को फॉलो करेगा अट्रैक्ट होने के लिए या रिपेल होने के लिए ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे लेकिन टेस्ट चार्ज जिस रास्ते को फॉलो करेगा जब उसको गिवन चार्ज के फील्ड में रखेंगे तो बेटा इस रास्ते का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अब जरा इसको देखते हैं टेस्ट चार्ज के बारे में
आपको इससे पहले भी बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में, यहाँ दोबारा देख लें कि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका मकसद है चेक करना प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, यस, और ये भी चेक करना कि फील्ड किस चार्ज का है। अब जरा इस चीज को आप यहाँ पे चेक करेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ये एक आपके सामने बेटा ये एक गिवन चार्ज है जिसको आपने इस ब्लू कलर से दिखाया है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस फील्ड के अंदर ये गिवन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस कराया पॉइंट ए पर और आर डिस्टेंस पर। तो बेटा ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज के जेरे असर या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। अब जिस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएगा उस रास्ते को फील्ड लाइंस कहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं ए बी सी और डी, इन चारों पॉइंट्स में मुझे बताइए कौन सा पॉइंट चार्ज के क्लोज है। तो आप कहेंगे पॉइंट बी, तो आप यही कहेंगे कि पॉइंट बी पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इसका मतलब है टेस्ट चार्ज को अगर पॉइंट बी पे रखेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगी, ए पर उससे कम, सी पर। इसी तरह जैसे ही हम फील्ड से बाहर जाएंगे तो ये लाइंस खत्म हो जाएंगी। तो बहरहाल डेफिनेशन ये है कि जब टेस्ट चार्ज को किसी गिवन चार्ज के फील्ड में इंट्रोड्यूस कराएं तो उस पर उसको जो रास्ता फॉलो करना पड़ता है उस रास्ते का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस पे बात करने लगे हैं, तो वहां से ये पाथ फॉलोड का आइडिया आपका मजीद क्लियर होगा कि ये पाथ फॉलोड आखिर क्यों होता है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और उससे पहले एक छोटा सा नोट है कि टेस्ट चार्ज भी अपना एक छोटा सा फील्ड रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपना एक फील्ड पैदा करता है। तो टेस्ट चार्ज का भी अपना एक फील्ड है, लेकिन टेस्ट चार्ज का फील्ड इतना वीक होता है कि वो गिवन चार्ज के फील्ड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। यानी आप ऐसे कह लें कि पानी के सैलाब के मुकाबले में एक छोटा सा चश्मा है, उसका पानी भी उसी सैलाब के डायरेक्शन में फ्लो में बह जाएगा, उसकी उसके अपने फ्लो की कोई हैसियत नहीं रहेगी। समझ आ गई है? तो टेस्ट चार्ज का फील्ड इतना वीक है, जैसे कि इस चार्ज का फील्ड इतना वीक है कि वो गिवन चार्ज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि उसकी लाइंस को फॉलो कर लेगा। आइए अब लाइंस को ड्रॉ करते हैं बाकायदा, जहां से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे। तो हम चल रहे हैं, और एक बात सॉरी मैं बेटा आपको बताता चलूं कि ये आज का आर्टिकल आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको आपने क्लियर करना है। हालांकि इसके अंदर डिस्कशन काफी सारी है, लेकिन ये छोटे छोटे एमसीक्यू और शॉर्ट में ही आपसे ये बातें पूछी जाएंगी जिसको हम डेफिनेशन और स्लाइड्स में दिखा रहे हैं। सबसे पहले ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास हो तो उसमें हम इलेक्ट्रिक लाइंस को किस तरह दिखाएंगे। देखिए बेटा स्क्रीन आपको बता दी गई है और इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये कोई गिवन चार्ज है पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव चार्ज है। और मान लीजिए कि ये इसका फील्ड है। अब आप मुझे ये बताएं अगर इस चार्ज के फील्ड में ये लाइंस आउटवर्ड क्यों है, जरा इसका जवाब ले लीजिए कि अगर इसके फील्ड के अंदर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं, फर्ज करें इस पॉइंट पर, बताइए टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है। प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था कि टेस्ट चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव नहीं लेते, ये एक फिक्स स्टैंडर्ड है कि टेस्ट चार्ज आपने लेना ही पॉजिटिव है ताकि हम एक स्टैंडर्ड को सेट कर सकें, उसके मुताबिक चेक चल सके। तो अब आप देखिए कि इस चार्ज के फील्ड के अंदर हमने टेस्ट चार्ज को रखा, तो बताइए टेस्ट चार्ज जो खुद एक पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, यकीनन रिपेल करेगा, ठीक है। हम जहां भी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो पॉजिटिव चूंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इसके नतीजे में ये टेस्ट चार्ज
हमेशा आउटवर्ड मूव करेगा। तो अब आप डेफिनेशन को क्लियर करके कि टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जिस पाथ को टेस्ट चार्ज फॉलो करता है उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो मैं इस पूरे फील्ड में जहां भी टेस्ट चार्ज रखूं, ये परमानेंट चार्ज या गिवन चार्ज उसको रिपेल ही करेगा। ठीक है, आपने अब इसमें देखना है। मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज बनाने की इसलिए नहीं कि हम इससे पीछे बना चुके हैं, बस इतना याद रखना है जहां भी रखेंगे उसको रिपल्शन ही मिलेगी। तो ये आपको सेंटेंस में बताया जा रहा है टेक्सचर में कि फर्ज कर रहे हमने टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे रखा। बेशुमार टेस्ट चार्ज ले लिए, जैसे एक पॉइंट ए पर ले लिया, बी पर, सी पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करा दिए लेकिन इनके डिस्टेंसेस सेम रखे। तो बताइए टेस्ट चार्ज कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्शन क्यों होगी? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। इट मीन्स के पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो है वो रेडिली आउटवर्ड होती हैं। अब क्यों आउटवर्ड होती हैं? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि टेस्ट चार्ज के रास्ते का नाम है। चलिए अब नेगेटिव में देख लेते हैं। ये इस हेडिंग में आपने देखना, ये ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव पे तो बात हो चुकी है ना, तो आप जरा इसको देखिए। ये नेगेटिव चार्ज आपको दिखाया गया है, ये इसका फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज रखें। मसलन मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो बताइए इस टेस्ट चार्ज को जो कि पॉजिटिव होता है, इस टेस्ट चार्ज को जो यहाँ पे रखेंगे, ये चार्ज क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जहां भी रखेंगे अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। सारी लाइंस तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इनके तो इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर के इन लाइंस की तादाद थ्री डायमेंशन में होती है और इन्फिनिट होती है। हम तो समझाने के लिए चंद एक आपको ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे दो लाइंस के दरमियान भी बेशुमार लाइंस हैं। तो ये तो इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस हैं और ये थ्री डायमेंशनल में होती हैं। हम तो आपको प्लेन में दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये सपोज कर लें अगर कि एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि उस फुटबॉल की सरफेस के, उसकी आउटर सरफेस के अंदर से लाइंस हर तरफ से निकल रही होंगी। जैसे फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में अगर आप जीरो का बल्ब लगा दें, छोटा बल्ब, तो फुटबॉल के सेंटर से लाइट निकलेगी और हर तरफ से उसको क्रॉस करेगी। बिल्कुल इस तरह ये लाइंस भी चार्ज में से जब इमर्ज होती हैं तो थ्री डायमेंशनल इमर्ज होती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आइसोलेटेड चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अब हम इससे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। बेटा अब हम बात करने लगे हैं दो चार्जेस की। तो पहले इसमें देख रहे हैं कि अनलाइक चार्जेस की अगर बात करें, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं? जिनकी नेचर ऑपोजिट हो। अब जरा देखिए इस ग्राफ को, आप इस डायग्राम को आपने देखना है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये लाइंस कर्व क्यों बनी है मैं इसकी वजह आपको बताने लगा हूं। पहले आपने जरा इसको सिंपली समझना है। ये दो चार्जेस के अगर बिल्कुल दरमियान में मैं टेस्ट चार्ज रखता, बिल्कुल दरमियान में, यानी अगर दो चार्जेस को एक लाइन से मिला लूं और लाइन के ऊपर मैं टेस्ट चार्ज रखूं, मसलन मैं यहाँ पे रखता हूँ या किसी भी जगह पे रखूं इस लाइन के, तो आप मुझे ये बताइए कि टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। और नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज जिसको सिंपली कहते हैं, वो इस पॉजिटिव से रिपेल होता हुआ इस नेगेटिव की तरफ आएगा और इस लाइन को फॉलो करेगा यकीनन, जो कि स्ट्रेट आपको दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन ये लाइन हमेशा स्ट्रेट नहीं रहती,
यहाँ पे जैसे कर्व दिखाई गई है तो इसको भी समझ लीजिए, वो इस तरह से बच्चों कि अगर मैं टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे रखता हूं तो मुझे ये बताओ ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जब ये रिपेल होता हुआ इधर को सीधा गुजरेगा तो जैसे ही नेगेटिव के करीब आएगा ये नेगेटिव इसको जाने नहीं देगा बल्कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब टेस्ट चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ टू चार्जेस आ गया है तो उस पे दोनों फोर्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये सीधा नहीं जाएगा बल्कि पॉजिटिव से अपना पाथ को बेंड करता हुआ नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई यकीनन के अब लाइंस जितनी भी निकलती हैं ये पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब है मैं अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखूं तो ये ग्राफ मुझे ये दिखा रहा है कि टेस्ट चार्ज इस तरह पॉजिटिव से मूव करता हुआ इस पाथ पर नेगेटिव की तरफ आएगा। तो जहां भी रखेंगे टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव से रिपेल होके नेगेटिव की तरफ ही आएगा, ठीक है ना। एक चीज और देख लीजिए कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर लाइंस क्लोज हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहे हैं लाइंस एक दूसरे से खुलती जा रही हैं। मींस फील्ड पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था और अब फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक होता जा रहा है और आखिर ये फील्ड जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को। अब एक पॉइंट मैंने छोटा सा आपको इस ग्राफ के इस डायग्राम के ऊपर दिखाया हुआ है, इसमें इसको प्लीज समझ लीजिए कि देखें जब लाइंस कर्व हो जाएं तो फिर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन लेनी हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन लेंगे। जैसे यहाँ पे अभी दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व भी होंगी अनलाइक के दरमियान और ये स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से और एंड कर रही है नेगेटिव की तरफ, क्योंकि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है तो नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। चाहे जहां भी रखें पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। और एक बात याद रखें कि इसमें मिडिल रीजन में फील्ड जीरो नहीं होगा बल्कि स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे हैं, यानी ये लाइंस एक दूसरे को पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा था, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा था, तो टेस्ट चार्ज इस बात को फॉलो कर रहा था। इसमें एक बात देखते चले कि जब लाइंस कर्व्ड होंगी, जैसे पहले मैंने इस पॉइंट पे बात कर रहा था, जब लाइंस कर्व्ड होंगी तो बच्चों इस केस के अंदर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन लेनी हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप देखते हैं कर्व की वजह से डायरेक्शन फील्ड लाइंस की बदल रही है, तो ऐसे केस में किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो आपको किसी किस्म के टेंजेंट की जरूरत नहीं थी। आप देख रहे हैं जिस पॉइंट पे भी लेनी थी देखना था लाइन स्ट्रेट थी तो वही डायरेक्शन थी, लेकिन जब लाइन स्ट्रेट ना रहे तो फिर आपको टेंजेंट लाइन लेनी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो आइए अगली बात की तरफ चलते हैं बच्चों। अब लाइक चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखिए लाइक चार्जेस में हम दो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दो नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल मैं करूंगा और एक आपने खुद करनी होगी ख्याल करते हुए सारे पैरामीटर्स को। आइए मैं दो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान बात करने लगा हूँ। पॉजिटिव वाली डायग्राम आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है, बल्कि ना सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है बल्कि इसको ड्रॉ भी करना है। आइए दो नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि दो नेगेटिव चार्जेस के बिल्कुल दरमियान खाली जगह नजर आ रही है जहां कोई लाइन पास नहीं कर रही। मैं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। इसको न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, नल पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन पहले जरा समझिए, फर्ज करें मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रखता तो इस टेस्ट चार्ज को जो मैं यहां पे रखता, इस नेगेटिव ने अपनी तरफ करना था अट्रैक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन साथ ही ये चार्ज भी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव उसकी तरफ जाएगा जिसके क्लोज होगा, जो इसको ज्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन चूंकि एक ही वक्त में उसको दो चार्जेस की तरफ अट्रैक्शन का सामना है तो उसका पाथ कभी भी सीधा नहीं रहेगा बल्कि वो आएगा तो इसकी तरफ ही, लेकिन चूंकि
इस नेगेटिव की भी अट्रैक्शन उसके ऊपर लग रही थी, तो वो अपने पाथ को इस तरह से बेंड करेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा। इसका मतलब है कि जब वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो एक्चुअली वो ये बता रहा है कि मुझे सिर्फ इस चार्ज की अट्रैक्शन नहीं लग रही, बल्कि ये वाला चार्ज भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मैं जा इस तरफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है या इसके ज्यादा क्लोज है। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊं तो क्या होगा, अब टेस्ट चार्ज इस चार्ज के ज्यादा करीब हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, तो अब वो इस कर्व पाथ को बेंड कर रहा है। इस तरह डिफरेंट जगहों पे रख रहे हैं तो ये लाइंस आपको कर्व नजर आ रही हैं, लेकिन अंदर को नजर आ रही हैं क्योंकि नेगेटिव की लाइंस इनवर्ड होती हैं। और दरमियान में ये आपको नजर आ रहा है, जब दो आइडेंटिकल चार्जेस के दरमियान रखते हैं तो पैटर्न भी पॉजिटिव चार्जेस की तरफ का भी इसी तरह से होगा, उसमें बस लाइंस आउटवर्ड होंगी लेकिन कर्व्ड होंगी। और मिडल रीजन में एक पॉइंट है जिसको नल पॉइंट कहते हैं, या इसको जीरो फील्ड स्पॉट कहते हैं, या न्यूट्रल जोन कहते हैं। बेटा ये वो पॉइंट है कि जहां पे कोई लाइन पास नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह समझ लीजिए, ये भी 5 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज है, ये भी 5 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज है, और मैं बिल्कुल मिड में रख दूं अगर टेस्ट चार्ज, तो जितनी अट्रैक्शन ये चार्ज लगाएगा उतनी ये लगाएगा, तो दोनों ऑपोजिट लगेंगी, लिहाजा वो टेस्ट चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो समझ लाएं कि दो आइडेंटिकल चार्जेस के दरमियान न्यूट्रल जोन होती है, और इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये फाइंड करने का तरीका हम एक न्यूमेरिकल में भी देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दो चार्जेस के बिल्कुल मिड में ही हर दफा बने न्यूट्रल जोन, ये डिपेंड करता है चार्ज की स्ट्रेंथ के लिहाज से। बहरहाल ये बात आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि न्यूट्रल जोन दो आइडेंटिकल चार्जेस के दरमियान में पाई जाती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि नल पॉइंट दो लाइक चार्जेस के मिड पॉइंट दरमियान जरूर होता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा कि आइडेंटिकल की बात तो ठीक है, समझ आ रही है, जिस तरह इससे प्रीवियस में हमने देखा, तो अब सिंगल पॉइंट चार्ज की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात कर लेते हैं। कि फर्ज कर लें हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं, यानी अब पॉइंट चार्जेस नहीं है बल्कि दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। चलिए सबसे पहले मैं मिडल रीजन की बात करूंगा, कॉर्नर्स की बात बाद में करेंगे। मैं ये कहता हूं बच्चों कि अगर टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा जाए, मिडल में कहीं भी रखें टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है, इसको ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, रिपेल करेगी, और ये नेगेटिव क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यकीनन मिडल में जहां भी टेस्ट चार्ज को रखेंगे ये भागता हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। तो ये आपको लाइन स्ट्रेट नजर आ रही है, पैरेलल नजर आ रही है दो प्लेट्स के दरमियान, जो बता रही है कि फील्ड की डायरेक्शन सेम है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि कॉर्नर्स पर ये लाइंस आपको कर्व्ड क्यों नजर आ रही हैं, जैसे आप लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं। तो बेटा इसकी वजह सुन लीजिए, मैं आपको ये कहता हूं कि अगर टेस्ट चार्ज मैं यहां पे रखता हूं, चलें यहां पे रखता हूं, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव प्लेट उसको क्या करेगी, रिपेल, वो कहेगी कि यहां से भाग जाओ, निकल जाओ। तो ये टेस्ट चार्ज इधर को मूव करेगा तेजी से, लेकिन जैसे ही मूव करता हुआ नेगेटिव के करीब आएगा, ये नेगेटिव इसको सीधा नहीं जाने देगा बल्कि अपनी तरफ बेंड कर लेगा। तो अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस कॉर्नर पर ये जो टेस्ट चार्ज है ये कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं कर सकेगा, ये ऐसे बेंड होता हुआ आएगा। लेकिन मिडल में कोई बेंडिंग नहीं है क्योंकि अब सीधी सीधी फोर्स लग रही है पॉजिटिव और उसी तरफ नेगेटिव की लग रही है। तो आप देख रहे हैं कि मिडल में ये लाइंस पैरेलल है और कॉर्नर्स पे ये लाइन कर्व्ड है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं और मिडल में ये इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म कहां पर है, कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो ये बात आपको उम्मीद है कि इस स्लाइड में भी समझ आ गई होगी।
आपसे शुरू में बताया था, जरा सबसे पहली स्लाइड पे एक मिनट के लिए आ जाएं। सबसे पहली स्लाइड पर आपको बताता चलूं कि हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमें इंफॉर्मेशन देती हैं डायरेक्शन की और स्ट्रेंथ की। इस बात को अपने जहन में बिठाने के बाद अब आपने ये इस स्लाइड पे गौर करना है जो आपको दिखाई जा रही है कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यस, अगर आपको कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है और वेक्टर के सेम होने के लिए या यूनिफॉर्म होने के लिए दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो जरा गौर कीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं तो पहली बात क्या है, ये लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। जैसे इस स्लाइड में हमने देखा कि मिडल में सारी लाइंस पैरेलल है, मींस के मिडल में फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, जो इस पॉइंट पे डायरेक्शन है वही, ये सारी लाइंस पैरेलल है। लेकिन ये लाइंस पैरेलल है होनी चाहिए पहली बात। दूसरा, उनके दरमियान स्पेस एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि स्पेस ज्यादा हो कहीं पे कम हो, क्योंकि जहां पे लाइंस क्लोज हो जाएंगी फील्ड स्ट्रोंग हो जाएगा और जहां पे लाइंस दूर होंगी फील्ड वीक हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म के लिए इक्वल स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, उनकी तादाद यूनिट एरिया में से सेम पास करे। ये जो थर्ड पॉइंट है इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन हमारे कल वाले आर्टिकल में होगी कि कैसे जब हम फ्लक्स को पढ़ेंगे कि कैसे इनकी तादाद यूनिट एरिया में सेम रह सकती है। एनी हाउ, ये तीन पॉइंट्स आपके सामने है। ये आपसे अलग से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज्ड टू बी यूनिफॉर्म इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी यूनिफॉर्म हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, उनमें स्पेस एक जैसी हो, और तीसरी बात ये कि इसके अंदर इनकी तादाद यूनिट एरिया में से इक्वल पास करे, ठीक है। मैं इसको भी एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि यूनिट एरिया, मसलन मैं यहाँ पर बच्चों इस डायग्राम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेता हूँ, एक प्लेट लेता हूँ, इस प्लेट में से टू लाइंस पास कर रही हैं, तो वही प्लेट में यहाँ पे रखूं तो भी तादाद इनमें कितनी पास करनी चाहिए, टू, यानी उनकी तादाद कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिए जरूरी है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। लास्ट हमारी बात है, हम अपने लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं। नंबर वन, आपने क्या देखा, ये लाइंस कहां से शुरू होती हैं, पॉजिटिव से, और एंड कहां करती हैं, नेगेटिव पे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हुई कि लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड क्या है, हमने दिखाया था आपको कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले ले तो वो उस फील्ड की डायरेक्शन होती है। टेंजेंट लेने की जरूरत आपको सिर्फ कर्व में पड़ेगी, स्ट्रेट में तो टेंजेंट की भी जरूरत नहीं है, जिस तरफ को पाथ दिखाया गया है वही डायरेक्शन होगी। बहरहाल टेंजेंट लेने से आप डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था कि जहां लाइंस क्लोज होंगी फील्ड स्ट्रोंग होगा, जहां लाइंस दूर होंगी फील्ड वीक होगा। इसको मैं स्लाइड पे भी दिखा देता हूँ जो आपने पहले बात की थी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल स्पेस है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में यहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज हैं, फील्ड स्ट्रॉन्ग है और फील्ड वीक होता जा रहा है। इससे पीछे वाले में भी देख लें, जैसे जैसे हम क्लोज आएंगे लाइंस क्लोज हैं, फील्ड स्ट्रॉन्ग है, दूर जाएंगे तो फील्ड वीक होता जा रहा है। और सबसे वीक फील्ड कहाँ होगा, बाउंड्री पे, बाउंड्री के बाहर ये जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, क्लोज आएंगे लाइंस क्लोज होंगी, दूर जाएंगे लाइंस खुलती जा रही हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे बच्चों। तो ये थर्ड पॉइंट तक हम बात कर चुके। नंबर फोर और लास्ट पॉइंट के दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि लाइंस फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं और डायरेक्शन एक वक्त पॉइंट पे एक होती है। अगर दो लाइनें क्रॉस करने लग पड़े इसका मतलब है एक पॉइंट पे एक से ज्यादा डायरेक्शंस हैं, जो कि कभी भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। आप सारी डायग्राम्स को जो आपके पास, जब ये रिकॉर्डिंग आएगी आप बार बार इसको देखिएगा,
कभी भी आप दो लाइंस को क्लोज तो देखेंगे लेकिन आप उनको एक दूसरे को क्रॉस होता हुआ नहीं देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि आपका